लोग दिन भर ऑफिशियल वर्क में चेयर पे बैठे रहते हैं और उनके पैर अकड़ जाते हैं, पैरों में सुन्नपना आ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, कमर दर्द होने लग जाती है, उनके लिए बहुत ही सिंपल ज्वाइंट प्रैक्टिस लेकर आई हूँ। चेयर पे बैठ के आप कैसे ज्वाइंट प्रैक्टिस करें, वहीं बैठे बैठे आप ध्यान से देखें। सबसे पहले तो आप अपनी चेयर पर एकदम स्ट्रेट, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, दोनों हाथों का लॉक बना के थाइस के नीचे रखें और सांस लेते हुए अपने पैरों के टोस और थंब को अपनी ओर खींचें और सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। इस प्रकार से आप 5 से 10 टाइम करें। फिर आपको पंजों को अपनी ओर खींचना है और सामने करना है। 5-5 टाइम जब आप ये करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा और इससे ब्लड का सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होगा। अब यहीं से आप रोटेशन कर लें चेयर पे बैठे बैठे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-5 टाइम, 10-10 टाइम कर सकते हैं। दोनों पैरों से आपको करना है, यहाँ भी आपको हाथों का लॉक बना के थाइस के नीचे रखना है। सपोर्ट के लिए टोस और थंब को अपनी ओर खींचें, सामने करें, अपनी ओर फैलाएं, सामने फैलाएं। 5 से 10 टाइम करें, फिर पंजों को करें आगे पीछे। इस प्रकार से इससे आपके पैरों का ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर होगा, स्वेलिंग की समस्या भी दूर होगी और सभी ज्वाइंट आपके मजबूत रहेंगे। तो आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल सकते हैं तो बैठकर भी आप आराम से कर सकते हैं। मुझे एक कमेंट आया था, मैंने उस कमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाया है वीडियो कि चेयर पे बैठकर कैसे किया जाए इस प्रकार से। और बटरफ्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी चेयर ब्रॉड है तो आप बैठे बैठे बटरफ्लाई भी कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा बैक पेन में, बैक पेन और साथ ही आपके पैल्विक फ्लोर इससे ओपन होता है और बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है स्पाइन के लिए, स्पाइन फ्लेक्सिबल बनती है, कमर का दर्द है तो धीरे धीरे करके जाता है। इस प्रकार से 50 टाइम आप जर्क दें और हल्का सा आगे झुक जाएं। तो इस प्रकार आप चेयर पे बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं।